अभी 21 रमजान का ताबूत आने वाला है, तो उस पर किस तरह की गाइडलाइन आपकी तरफ से, क्या ताबूत उठेगा या नहीं उठेगा, और अपना परिचय दे दीजिएगा। हसन मिर्जा साहब मरहूम का मैं तार हुसैन सेक्रेटरी और ये हमारे मजहब के मुतवल्ली और तमाम अहले खानदान की जाने से ये यहाँ पर तय किया गया है कि अब की साल, क्योंकि पिछले साल से कहीं ज़्यादा महामारी कोरोना वायरस का दौर है और लोग कसरत से मतलब मर रहे हैं और ये वबा सारी दुनिया में फैली हुई है और खासकर हिंदुस्तान में और अब की यहाँ हमारे लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लिहाजा हम लोगों ने इस बात का ये फैसला लिया कि शासन और प्रशासन के जो अहकाम को मद्देनज़र रखते हुए कि जो ताबूत मौलाए कायनात सबों के मौके को पर शहादत अली इब्न अबी तालिब का सजाया जाता था, यहाँ नजफ में 19 रमज़ान को सुबह सजाया जाता था और 21 रमज़ान को सुबह उठाकर दाल कटोरी की तरफ बुला जाता था, वो इन साल नहीं उठाया जाएगा और ना ही ये ताबूत सजाया जाएगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम आज़ादारान मातमदारान ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब से कि वो अपने अपने घरों पर काले परचम लगाकर गम का इजहार करें और अपने अपने घरों में बैठकर मौला का मातम करें और ये दुआ करें कि ये कोरोना वबा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो, ताकि हम आइंदा साल जिस तरह मौला की अदा करते थे उसी तरह करें और इस ताबूत को अपने कांधों पर उठाकर करबलाए ताल कटोरा ले जाएं। और ये भी एक खास गुजारिश है कि जो हमको इस साल ये ऐलान मुलतवी का करना पड़ रहा है, ये आइंदा साल ना करना पड़े।